नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जानवी यादव और आप देख रहे हैं HM News। AR रहमान को कौन नहीं जानता, आज वो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। आज ही के दिन यानी 6 जनवरी को उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर आइए जानते हैं कि उनकी जिंदगी की दिलचस्प बातें। AR रहमान यानी अल्लाह रखा रहमान का जन्म तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में हुआ था। रहमान को संगीत अपने पिता से विरासत में मिली थी। उनके पिता आर.के. शेखर मलयाली फिल्मों में शिक्षा देते थे। संगीतकार ने संगीत की शिक्षा मास्टर धनराज से प्राप्त की थी। रहमान जब 9 साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया और पैसों की खातिर परिवार वालों को वाद्य यंत्र तक बेचने पड़े। महज 11 साल की उम्र में रहमान अपने बचपन के दोस्त शिवमणि के साथ रहमान बैंड रूट्स के लिए सिंथेसाइजर बजाने का काम करते थे। चेन्नई के बैंड नेमेसिस एवेन्यू की स्थापना में भी रहमान का अहम योगदान रहा। रहमान पियानो, हारमोनियम, गिटार भी बजा लेते थे। रहमान सिंथेसाइजर को कला और टेक्निक का अद्भुत संगम मानते हैं। बैंड ग्रुप में ही काम करने के दौरान रहमान को लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज से स्कॉलरशिप मिला और इस कॉलेज से उन्होंने पश्चिमी शास्त्रीय संगीत में तालीम हासिल की। सन 1991 में रहमान ने अपना खुद का म्यूजिक रिकॉर्ड करना शुरू किया। साल 1992 में उन्हें फिल्म निर्देशक मणि रत्नम ने रोजा में संगीत देने का मौका दिया। फिल्म का संगीत जबरदस्त हिट साबित हुआ और रातों रात रहमान मशहूर हो गए। पहली ही फिल्म के लिए रहमान को फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। रहमान के गानों की 200 करोड़ से भी ज्यादा रिकॉर्डिंग बिक चुकी है। वो विश्व के टॉप 10 लिस्ट में संगीतकारों में शुमार है। वो उम्दा गायक भी हैं। देश की आजादी के 50वें सालगिरह पर 1997 में बनाया गया उनका एल्बम वंदे मातरम बेहद कामयाब रहा। इस जोशीले गीत को सुनकर देशभक्त मन में हिल्लोरे मारने लगती है। साल 2002 में जब BBC वर्ल्ड सर्विस ने 7000 गानों में से अब तक के 10 सबसे मशहूर गानों को चुनने का सर्वेक्षण कराया तो वंदे मातरम को दूसरा स्थान मिला। सबसे ज्यादा भाषाओं में इस गाने पर प्रस्तुति दिए जाने के कारण इसका नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। रहमान के गाए गीत दिल से, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, जय हो आदि भी खूब मशहूर हुए। वर्ष 2010 में रहमान नोबेल पीस प्राइज कंसर्ट में भी प्रस्तुति दे चुके हैं। बॉम्बे, रंगीला, दिल से, ताल, जींस, पुकार, फिजा, लगान, स्वदेश, जोधा अकबर, युवराज, स्लम डॉग, मिलेनियर और मोहन जोदारो जैसी कई फिल्मों में संगीत दिया है। वर्ष 2004 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रहमान को TB की रोकथाम के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सद्भावना दूत बनाया। रहमान एक अच्छे पति और पिता भी हैं। संगीतकार की शादी सायरा बानो से हुई है और उनके 3 बच्चे हतीजा, रहीमा और अमीन है। साल 2000 में रहमान पद्मश्री से सम्मानित किए गए। फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर के लिए वो गोल्डन ग्लोब, ऑस्कर और ग्रैमी जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजे जा चुके हैं। इस फिल्म का गीत जय हो देश विदेश में खूब मशहूर हुआ। रहमान ने कई संगीत कार्यक्रमों में इस गीत को गाया भी है। रहमान 6 राष्ट्रीय पुरस्कार, 15 फिल्म फेयर पुरस्कार, दक्षिण भारतीय फिल्मों में बेहतरीन संगीत देने के लिए 13 साउथ फिल्म फेयर फेस्टिवल प्राप्त कर चुके हैं। फिल्म 127 अवार्ड्स के लिए रहमान वॉफ्टा पुरस्कार से सम्मानित किए गए। नवंबर 2013 में कनाडाई प्रांत ओंटारियो में मार्कहम के एक सड़क का नामकरण संगीतकार के सम्मान में अल्लाह रखा रहमान कर दिया गया। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। इसी तरह खबरों के लिए देखते रहिए HM News।